27 फरवरी से शुरू हुआ मुगल बादशाह शाहजहां के उर्स का आखिरी दिन गुसल की रस्म के साथ शुरू हुआ। 367वां उर्स के मौके पर हजारों की तादाद में पर्यटकों ने ताजमहल का दीदार किया। शाहजहां उर्स के मौके पर हर साल ताजमहल में चादर पोशी की जाती है। इस बार चादर की लंबाई बढ़ाई गई है। इस बार 1381 मीटर की सतरंगी हिंदुस्तानी कपड़े से बनी चादर चढ़ाई गई। ये चादर धार्मिक सद्भाव का प्रतीक होती है। वहीं चादर चढ़ाते वक्त सभी धर्मों के धर्मगुरु वहां पर मौजूद रहते हैं। मैं 3 दिन से शाहजहां का उर्स मनाते चला रहा हूँ। पहले दिन मैंने गुसल की रस्म अदा करी थी, दूसरे दिन मैंने संदल की रस्म अदा करी थी। आज विशेष रूप से दुनिया की सबसे बड़ी एक अच्छा पैगाम पहुंचाने वाली चादर जिसका नाम है हिंदुस्तानी सतरंगी चादर। इससे 40 साल पहले ये मेरे ख़ानदान से चलाई जाती थी, लेकिन जब मैं होश में आया, मैं जवान हुआ, मैंने देखा तो मैंने ये किसी एक की नहीं है, ये सबको बुला के मीटिंग करी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सातों कौमों की चादर है, किसी एक की चादर नहीं है, न किसी राजनीतिक चादर है, न किसी धर्म की चादर है। अमेठी के बिस्ट्री पुरवा के पास एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। वहीं टक्कर लगने से बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टर्स ने एक को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है।